नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, ये खुशखबरी आपको देते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी में एक नई एग्जाम डेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। वीडियो को डाउनलोड कैसे करना पड़ेगा दोस्तों, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड आप करेंगे और आपको क्या प्रिपरेशन करनी, जो आपके पास एक हफ्ता बचा है उसमें बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड रिटर्न एग्जाम डेट एग्जाम एडमिट कार्ड। तो दोस्तों जिस दोस्तों ने यूपी ट्रिपल एससी में अपने फॉर्म को फिलअप किया था बोर्डिंग टेक्नीशियन के पदों के अधीन, तो उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आपको कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर आप यहाँ पर थोड़ा सा हल्का क्लिक कर लेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड को आप यहाँ भर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड कैसा है मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, दोस्तों जैसे ही आपने वहाँ पर अपनी एंट्री डिटेल्स फिल की होंगी, वो मैं आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों का अपना एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है, वो मुझे वीडियो के कमेंट में अपनी डिटेल सेंड कर दे, मैं निकाल दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिफ्ट भी दी गई है कि 10 से 11 के बीच आपका यहाँ कर फर्स्ट मीटिंग में आपका एग्जाम होगा, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया तो तब आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया तो आपको यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको आपका फुल नेम, फादर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन कर देंगे और यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर नो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर तो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया तो आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कीजिए, उस पर अपना फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और मोबाइल नंबर भेजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।